हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हम इसमें पढ़ेंगे पावर पॉइंट स्टडी। आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। पावर पॉइंट स्टडी पॉइंट में डेली करंट अफेयर, ठीक है। और आज है 11 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 10 दिसंबर की डेली करंट अफेयर, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी और बेस्ट टाइमिंग है 10 बजे, ठीक है। आपको 10:30 तक वीडियो मिल जाएगी। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने 9 दिसंबर 2021 को इन्होंने क्या किया? गंजाम के गोपालपुर में गंजाम के गोकुलपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की स्थापना की, ठीक है। किसकी? वर्चुअल प्लेटफॉर्म की स्थापना की। इसमें क्या है? टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट। टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट इसमें अमोनिया नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया नाइट्रेट NH4NO3। किसमें? इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 9 दिसंबर को घोषणा की, जिसमें गंजाम के गोरखपुर में टेक्निकल रूप से अमोनिया नाइट्रेट को बनाया जाएगा, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट की नींव रखी जाएगी, ठीक है। इस स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजी स्नैप कैम टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा दिया? स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। किसने किया? ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 9 दिसंबर को गंजाम के गोकुलपुर में टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए इन्हें 2200 करोड़ रुपए का क्या दिया इनको कि आप यहाँ पर टेक्निकल रूप से क्या करेंगे? अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करेंगे, जो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा लिया गया है। इसके द्वारा क्या फ़ायदा होगा? इसके द्वारा कृषि उद्योगों कृषि अलग उद्योग अलग जैसे खनन विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग कहाँ पर होगा? कृषि में होगा, उद्योग में होगा और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा, ठीक है। और ये हो गया अब क्या? छत्तीसगढ़ के सीएम, अब भाई इन्होंने कुछ किया है तो दूसरे भी कुछ करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम क्या नाम है इनका? भूपेश बघेल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? इन्होंने उद्घाटन किया इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड
ट्रैफिक, रिसर्च, टेक्निकल किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का, ठीक है। इसमें क्या करेगी यह संस्था, इसमें ये के लोग क्या करेंगे, इसमें ये लोग अटल नगर में, अटल नगर नाव रायपुर में ये क्या करेंगे, यहाँ पे 20 एकड़ ज़मीन को खरीदेंगे। कितनी एकड़ ज़मीन को, 20 एकड़ ज़मीन को खरीदेंगे, 20 एकड़ ज़मीन को खरीदेंगे, कितने में, 17 करोड़ में, 20 एकड़ ज़मीन को खरीदेंगे 17 करोड़ में लागत से बनाया गया है, ठीक है। ये एक अटल नगर नाव, इसमें एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, मतलब अटल नगर नाव रायपुर में 20 एकड़ ज़मीन पर इन्होंने ड्राइविंग करने के लिए एक मैदान बनाया हुआ है, जिसके लिए 17 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। यह कंपनी किस कंपनी के द्वारा, यह है किस कंपनी के द्वारा, यह मारुति सुजुकी, यह मारुति सुजुकी द्वारा, यहाँ पे मारुति सुजुकी द्वारा कंपनी के विशेषज्ञ, मतलब मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा ड्राइवर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। विशेषज्ञों की निगरानी में इस परीक्षण पर, मतलब इन लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और बस जैसे ट्रक वगैरह के लिए, ट्रक के लिए यहाँ पे 30 दिन का प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण होकर जैसे ट्रक वैसे के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण होगा, ठीक है। इसरो ने एक नेविगेशन सिस्टम मैसेजिंग सेवा लॉन्च की है, किसने, इसरो ने, किसने लॉन्च की, इसरो ने, क्या लॉन्च की, इसरो ने की नेविगेशन मैसेजिंग, इसरो के नेविगेशन सर्विसिंग अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए, मतलब किसको, अनुसंधान विकास को मजबूत करने के लिए एक इसरो ने नेविगेशन मैसेज सर्वे योजना क्या किया, स्टार्ट की, मजबूत करने के लिए ओपो की भारत शाखा के समझौते पर हस्ताक्षर, किसके द्वारा की, ओपो, किसके द्वारा की, ओपो की भारतीय शाखा, ओपो की भारतीय शाखा द्वारा, क्योंकि इस नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च समझौता किया, किससे किया, इसरो ने ओपो भारतीय की शाखा द्वारा नेविगेशन मैसेज सर्विस का क्या किया, शुभारंभ, मतलब इन पे समझौता किया। इसमें क्या होगा, वे तेजी से एंड ये क्या करेगी, यह तकनीक तेजी से, ठीक है, यह क्या करेगी, यह तकनीक तेजी से, यह तकनीक तेजी से मैसेजिंग का कैंस एंड टू एंड, मतलब एंड टू एंड टू एंड में एप्लीकेशन, एंड टू एंड एप्लीकेशन विशिष्ट समाधान, विशिष्ट समाधान बनाने के लिए किसकी, एंड टू एंड एप्लीकेशन की शुभारंभ के, जो कि मैसेजिंग सेवा सर्विस के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जो कि एंड टू एंड एप्लीकेशन में नेविगेशन मैसेज सर्विस के अंतर्गत आएगा, मतलब ये एंड टू एंड एक एप्लीकेशन चाहिए ये है, जिसको तेजी से नेविगेशन मैसेज, मतलब जैसे हम किसी को मैसेज करेंगे तो उसके पास ही सीधा एप्लीकेशन के माध्यम से ओनली सिर्फ वही देख सकता है और कोई और नहीं देख सकता, ठीक है। यह तकनीक जानकारी के आदान प्रदान के लिए सबसे ज़्यादा तेजी से, मतलब इस चीज़ का तेज से विकास हो रहा है, ठीक है। यह प्रणाली भारतीय भूमि में, यह है इसका एक पॉइंट है, यह भारतीय
मुख्य भूमि में इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर के दायरे में ये मैसेज टू मैसेज कवर वाली क्षेत्र नेविगेशन सेवा, मतलब यहाँ लिखेंगे वहाँ भेजेंगे तो तुरंत मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रुक गया, थोड़ा रुक गया या किसी चीज़ में दिक्कत आ गई। इस चीज़ के लिए भारत उन्होंने इसरो ने समझौता किया है नेविगेशन मैसेज सर्विस, मतलब ओपो भारतीय शाखा के माध्यम से। इसरो ने एक काम और किया, इसरो क्या कर रहा है, इसरो भारत का अंतरिक्ष अंतरिक्ष गगन गगनयान 2023, इसरो ने गगनयान 2023 को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, मतलब 2023 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। इस गगनयान में मानव सहित होगा। इससे पहले यह जानकारी किसने दी, यह जानकारी दी है राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है, किस कितनी तारीख को दी गई, 9 दिसंबर को यह जानकारी दी गई, इनके द्वारा दी गई, ठीक है, इनके द्वारा इस जानकारी को दिया गया। इससे पहले 2023 से पहले ये लोग, मतलब भारत में 2022 को दो मानव रहित भी होंगे, मतलब दो यान मानव रहित भी होंगे, कि मतलब इसकी टेस्टिंग की जाएगी ठीक है कि नहीं है, मतलब ये लोग भेज मानवों को भेजे जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसके द्वारा इसरो ने एक मानव रोबोट इसी मिशन में एक मानव रोबोट ठीक है, जिसका क्या नाम है, मानव रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, ठीक है, इस व्योम मित्र को भेजा जाएगा। किसको, व्योम मित्र को भेजा, एक मानव रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा इस दोनों दोनों मानव रहित मिशन के तहत। एक में इस मतलब मानव रोबोट को भेजा जाएगा, इसके ये इसरो द्वारा विकसित है, किसके द्वारा विकसित है, ये इसरो द्वारा विकसित है, ठीक है। नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने एक चीज की है, नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में क्या किया, एक अटल ट्रेडिंग प्रयोगशाला की स्थापना करेगा, ठीक है, कहाँ करेगा, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में अटल टिकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना करेगा, ठीक है। और इसमें इसमें कितनी प्रयोगशाला होंगी, इसमें प्रयोगशाला होंगी 187 प्रयोगशाला होगी, ठीक है। इस 187 प्रयोगशाला में क्या होगा, इन प्रयोगशालाओं में क्या होगा, इन प्रयोगशालाओं में ये होगा कि ये 187 प्रयोगशाला अभी कार्यरत, मतलब इनको बनाया जाएगा। इसके तहत 106 प्रयोगशाला की 106 प्रयोगशाला की शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। 106 प्रयोगशाला को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, और 100 मतलब अभी इतनी प्रयोगशाला को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसमें 2022 तक का ये लक्ष्य है कि 187 प्रयोगशाला हमें चाहिए, ये अटल टनिंग प्रयोगशाला के अंतर्गत चाहिए, और 106 प्रयोगशाला ये मतलब लास्ट लास्ट तक चाहिए, और 2022 तक ये पूरी प्रयोगशाला मौजूद होने चाहिए, ये सरकार का आदेश है, ठीक है। संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इन्होंने क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन INS किस पे, आई अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर गठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा परिप्रेक्ष्य का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या दिया है, परिप्रेक्ष्य, दिया गया है, ठीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, कितने देश शामिल थे, इस गठबंधन में 124 देश शामिल थे, कितने देश शामिल थे, 124 देशों का गठबंधन है, जिसका मुख्यालय भारत का गुरुग्राम है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, भारत का, भारत में, जिसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम है, ठीक है। इसमें 124 देशों का ये संगठन है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन के लिए पर्यवेक्ष दर्जा दिया है, ठीक है, पर्यवेक्ष का दर्जा दिया है, ठीक है। एमपी सरकार ने क्या किया, एमपी ने क्या किया, भोपाल और इंदौर, भोपाल और इंदौर में क्या किया, एमपी सरकार ने भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी, कमिश्नरी परेड प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक है, भोपाल और इंदौर में। इस यह पुलिस के महा निरीक्षक स्तर के अधिकारियों दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त हो गए, मतलब इन दोनों शहरों में क्या होंगे, महानिरीक्षक स्तर के दोनों शहरों में पुलिस अधिकारी होंगे, ठीक है। मतलब कमिश्नरी प्रणाली, पुलिस कमिश्नरी, कमिश्नरेट प्रणाली स्टार्ट की इन दोनों शहर में, मतलब सब बड़े से बड़ा अधिकारी उपस्थित होगा, मतलब पुलिस के आयुक्त का बड़े से बड़ा अधिकारी इन दोनों शहरों में उपस्थित होगा, ठीक है। ठीक है, नोबल, और क्या है, और नोबल पुरस्कार दिवस, कब मनाया गया, 10 दिसंबर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस, ठीक है, और क्या बनेगा, मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेलिटी, रेजुवेशन इन क्वालिटी, एंड एडवांसिंग
ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये इसका क्या होगा, विषय वस्तु होगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 10 दिसंबर को बनाया गया, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया गया। मानव अधिकार दिवस की क्या हुआ, विषय वस्तु, मतलब कि इस चीज़ को किस उस पर बनाया, इक्वलेशन रेचुएशन इन इक्वलिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, मतलब इक्वलिटी रेचुएशन इन इक्वलिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।